जय हिंद नमस्कार ऑपरेटर साथियों, भारत के समस्त ऑपरेटर से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग एक होइए, एक साथ चलिए, एक दूसरे का मदद करिए, एक दूसरे के पेट पर लात मत मारिए। साथियों, अगर आज ऑपरेटर एक नहीं होते हैं पूरा भारत भर में, तो आने वाले समय में जो ऑपरेटर का लाइन है बहुत बुरी तरह बेकार हो जाएगी। आज आपको थोड़ा सा जो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है, वो इज्जत आने वाले समय में कुछ नहीं मिलेगा। आपसे 3 महीना काम करवाया जाएगा और 1 महीना का वेतन दिया जाएगा और आपके घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं कर सकते हैं। हमारा बात समझिए, अगर हम पर विश्वास नहीं है, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं एकता बनाने में, और जो मेरा रूल्स है, अगर हम अपना रूल्स मेरा रूल्स गलत है, तो आप लोग हमको बताइए कमेंट करके, या हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम नंबर स्क्रीन पर दे देंगे। साथियों, एक बात तो तय है पूरा भारत के ऑपरेटर में, सभी ऑपरेटर चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़े, लेकिन यह नहीं चाहते हैं कि एकता बने। क्यों नहीं चाहते हैं ये तो हमको भी पता नहीं है, क्योंकि ये जो संस्था बना है ऑपरेटर के हित के लिए बना है, और हम चाहेंगे कि पूरा भारत के ऑपरेटर इस संस्था से जुड़े, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़े। अगर आप इस संस्था से जुड़ते हैं, लेकिन संस्था से जुड़ने से क्या लाभ है, क्यों हम इस संस्था से जुड़े, ये मन में सवाल चलता है। वीडियो देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को भूल जाते हैं, या कोई कोई ऑपरेटर याद रखता है, जब उनका पेमेंट फंसता है तो उस टाइम याद आता है संस्था। आपका पेमेंट क्यों फंसे, आप जब अगर सही समय से काम किए हैं, आप अपना पसीना बहाकर जब आप काम किए हैं, मेहनत किए हैं, 80 डिग्री और 90 डिग्री सेल्सियस के धूप में काम किए हैं, ऊपर का धूप रहता है 40 डिग्री और जब मशीन हीट होती है ना तो 80 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, 100 डिग्री हो जाती है। इतना धूप में आप सीट पर बैठ के काम करते हैं और आपको मालिक क्या बोलते हैं, केवल आप लीवर हिला रहे हैं। ये सवाल केवल मेरा नहीं है, आप अपने दोस्त को पूछिए, साथियों को पूछिए कि जो ये एकता है, जो संस्था है, इससे हम जुड़े या ना जुड़े। एकजुट हुई है ना भारत भर में, एक समान वेतन पेमेंट लागू होगा, एक 5 साल के जो सीनियर ऑपरेटर है, एक 10 साल को जो सीनियर ऑपरेटर है, आज का डेट में सेम एक वेतन मिल रहा है। जो जेसीबी चलाने वाले हैं उनको 12,000 मिल रहा है, जो पुकलेन चलाने वाले हैं उनको 15,000 मिल रहा है। महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, जो डीजल का दाम था 10 साल पहले 50 रुपये लीटर, आज 100 रुपये लीटर डीजल का दाम है। जो मशीन का रेट था, आज से 200 मशीन का बात आता है एक्सीवेटर का, 10 साल पहले रेट था 1200 रुपया, आज रेट है 2200 रुपया, लेकिन ऑपरेटर का रेट दिन पर दिन घट रहा है। पता नहीं क्या हो गया है ऑपरेटर में, समझ ही में नहीं आता है उनको कि भी हम इस संस्था से जुड़ के कुछ करें, कुछ एक बड़ा करें। आप लोग देख सकते हैं, अगर बैंक निजीकरण हो रहा है तो बैंक का कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, किसान का विरोध में आ रहा है तो किसान हड़ताल कर रहे हैं, रेलवे आप लोग देखें, अगर रेलवे निजीकरण हो रहा है तो रेलवे के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेटर कब आंदोलन करेंगे और कब जागेंगे ऑपरेटर? जागिए, अगर आज सोइए रहिएगा ना तो कल बहुत पछताना पड़ेगा,
ये हम कहते हैं, हम जिंदा रहें या ना रहें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं हम, अपना दम होशो हवास में करना कहना चाहते हैं कि अगर आज आप लोग इस संस्था से नहीं जुड़ते हैं तो आने वाले समय में शोषण हर जगह होगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपका। सरकार लेबर कोड बनाई है, मानते हैं लेबर कोड बनाई है, आपका क्षेत्र का विधायक है, सांसद है, आप अपना एक समस्या लेके जाइए तो कि सर जी हम झारखंड से हैं, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से हैं, मेरा पेमेंट यहाँ पर फंसा हुआ है और हम लीगल तरीके से काम किए हैं, सही तरीके से काम किए हैं, लेकिन वहाँ का जो मालिक है, जो कंपनी है, हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप घर चला जाइए, हम घर जाने के बाद पैसा देंगे, लेकिन घर आने के बाद भी हमको वेतन नहीं दिए, अकाउंट पर नहीं डाले। जाके पूछिए क्या आपको मदद करेंगे आपका MP MLA। लेबर कोर्ट में जाइए, वहाँ पर याचिका डालिए, कंप्लेन करिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे लेबर कोर्ट वाले भी, कि हम हमसे जो ऑपरेटर नहीं जुड़े थे और जो लेबर कोर्ट में गए थे कंप्लेन करने के लिए, उनका अभी तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। ये आप लोग बात समझ जाइए, क्योंकि देखिए हर किसी का एक लीडर कोई है, आप लोग ऑपरेटर का लीडर कोई नहीं है। हम चाहेंगे कि ऑपरेटर के नेशनल लेवल पर लीडर बने, स्टेट लेवल पर लीडर बने, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीडर बने, हर जगह एक अध्यक्ष रहे, एक सचिव रहे। अगर कोई ऑपरेटर हैदराबाद में जा रहा है तो वहाँ का जो अध्यक्ष होंगे पहले उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, तभी वो जहाँ भेजना चाहते हैं, जहाँ आपको जाना है, तभी वो पूरा एग्रीमेंट के साथ आपको जाना है। बिना एग्रीमेंट के साथ जाइएगा पेमेंट फंस जाएगा। फ़ोन पर बात करके अगर आप जाते हैं किसी के पास, कोई मालिक के पास, कोई कंपनी के पास, तो प्रूफ क्या रहता है? आप एग्रीमेंट के साथ जाइए ना, कोई भी कंपनी में, मालिक के पास, ठेकेदार के पास, कंपनी के पास दरअसल रहता है एग्रीमेंट, लेकिन बहुत सारी कंपनी नहीं कराती है एग्रीमेंट, पता नहीं क्यों। बहुत सारे कंपनी है जो PF नहीं देती है मजदूर को, पता नहीं क्यों। इसका आवाज़ कौन उठाएगा? ऑपरेटर को उठाना पड़ेगा ना, जो एक्सीवेटर ऑपरेटर है, JCB ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, टावर क्रेन ऑपरेटर है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्शन लाइन के जितने भी ऑपरेटर है, तमाम ऑपरेटर से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, एक साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अगर हमसे कोई गलती है तो आप लोग क्षमा करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे नंबर पर कॉल करिए, मेरा नंबर नीचे दिया गया है 8092234004, या कमेंट करिए या मैसेज करिए, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। लेकिन आप लोग जागिए, हम यही आपसे अपील करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद, समय आने दीजिए, एक जरूर होंगे हम सब, अकेला चाना भार नहीं फो सकता, आप लोग कहावत सुने हैं, और थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, आप लोग को भी पता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फंक्शन। जय हिंद, जय भारत।